कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले कलेक्टर महोदय की सक्रियता। तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर महोदय ने बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य किया और बस स्टैंड पर भी कोरोना टेस्ट करने की व्यवस्था की है। धारा 144 लगाते हुए लोगों को कोरोना से बचाव में मास्क लगाना अनिवार्य किया। साथ ही सभी व्यापारी व्यवसाय को निर्देशित किया कि बिना मास्क के ना रहें। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी और फिर भी कोई नहीं मानता तो खुली जेल में भेजा जाएगा। लोगों से अपील की है कि सभी मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे ना हों, इन सभी बातों का ध्यान रखें। और अगर काम ना हो तो बेकार में बाजार में ना घूमें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर रखें ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। नहीं देखिए, आपने ये समस्या बताई है, हमारे पास ऐसे कुछ मैसेज आए भी थे जिसको हमने चेक भी करवाया था। कुछ जगहों पर ये दिक्कत आई थी कि उनकी शायद पहले डोज की एंट्री नहीं हो पाई थी, ऐसे कुछ टेक्निकल दिक्कत भी रही थी। आप ऐसे सभी केसेस हमारे सामने लाइए। हमारी उद्देश्य, हमारी मंशा बस यही है कि सभी लोगों को टीकाकरण का लाभ हो, उनको दोनों डोज लग जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। और जो ये टेक्निकल जो भी इशू आ रहा है उसको हमारे समझ लाएंगे हम लोग, इसको देखकर बड़ी लापरवाही भी है क्योंकि सर डोज ना लगवाना और मैसेज आना एक तरह से लापरवाही। नहीं बिल्कुल, हम उसको चेक करेंगे। मैंने वही कहा, हर इंडिविजुअल मतलब ये समस्या बिल्कुल आप बताएं इसको, हम लोग जो भी इसमें लापरवाही अगर होगी परिलक्षित तो उस पर भी कार्रवाई। सूचना मिल रही है सर, इतनी महंगी जो वैक्सीन है उसको जमीन में गाड़ा जा रहा है केवल ये पूरा करने के लिए। ऐसा तो नहीं, आप मुझे बताएं अगर ऐसा कोई आपके सामने अगर कोई केस आता मुझे बताइए। सर एक महीने पहले डिलीवरी हुई है सर, उसको प्रमाण पत्र दे दिएगा वैक्सीन ऐसे। नहीं, उनको वैक्सीन लगा हुआ है? नहीं लगा है सर। ठीक है, आप हमको ये केस बताइए, हम उस पर हम योग्य कार्रवाई। देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण पत्र है। नहीं बिल्कुल, आप बताइए मुझे, मैं फिर बता दूं, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को दोनों डोज टीके के लग जाए और शासन और हम सभी लोग, शासन के द्वारा निर्देश किया गया है तो हम लोग सभी लोग इसके लिए बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। टीका सबको लगना अनिवार्य है। जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन? और हाँ बिल्कुल, अगर इसमें गड़बड़ी या लापरवाही इस तरह की जैसे आपने बताया अगर परिलक्षित पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर आज आपने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यहाँ बैठक की है, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी नागरिकों को आपके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि तीसरी लहर को लहर न बनने दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग अगर कड़ाई से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करेंगे, टीकाकरण का लाभ लेंगे तो निश्चित ही हम इसको लहर बनने से रोक पाएंगे। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन करें और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुए हम संक्रमण को रोक पाएं और टीकाकरण का भी लाभ लें जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। रोकने के लिए सर जिला स्तर पर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे सर? देखिए हमारी एक तरफ तो हम लोग अपनी तैयारियां पूर्ण कर लेंगे, जैसे हमने अपनी पूरी तैयारियां, बेड हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहिबान की और नर्सेस की ट्रेनिंग भी हम लोग साथ में करा रहे हैं। और दूसरा, इसको रोकथाम संक्रमण ना फैले इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूकता के लिए वाहनों के माध्यम से, रथों के माध्यम से हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। और साथ ही साथ धारा 144 के तहत एक आदेश भी निकाला गया है जिसमें जो भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पर 100 रुपये का पेनल्टी की कार्रवाई करेंगे और दुकानों के सामने गोले बनाना और ये सारी गतिविधियां हम लोग चालू कर रहे हैं। सर बड़ौदा के नसबंदी शिविर में जिस तरह की अब व्यवस्थाएं हालात देखिए, ऐसे हालात दूसरी जगह नहीं बने, इसके लिए सर क्या कुछ कदम? देखिए हमने यही कहा है कि ऐसी कोई भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने, अगर कहीं किसी महिला को बुलाया जाए उनको करने के लिए तो उनको समय रहते हम अटेंड करें। बड़ौदा में ऐसी स्थिति बनी जो कि बहुत ही गलत थी और गंभीर थी और इसके लिए मैं स्वयं वहां पे पहुंचा।